हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल द थिंग टेक। दोस्तों, सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दी को आए हुए भी बड़ा टाइम हो गया है और इन सर्दियों में बाइक बिना ग्लव के राइड करना बड़ा ही इम्पॉसिबल सा लगता है। ठंड के कारण हाथ उंगलियां बिल्कुल ही काम नहीं करती, अव्वल तो बाइक राइड का मन ही नहीं। दोस्तों, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लाया हूँ। दोस्तों, मैंने ये प्रो बाइकर के हैंड ग्लव्स खरीदे थे पर इनका कोई फायदा नहीं हुआ। ये मैंने 240 रुपए के खरीदे थे। जी हाँ, 240 रुपए का, पर टोटल वेस्ट ऑफ मनी मॉम को देखते हुए, मतलब ये सर्दियों के बिल्कुल भी लायक नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैंने खुद से लेदर के ग्लव्स तैयार किए हैं। मानिए, ये मुझे बहुत ही सस्ते में पड़ा है, ये मुझे सिर्फ 80 रुपए का पड़ा है और सर्दियों में बाइक राइडिंग के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी एक इसकी वीडियो बनाकर दिखाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, मैं आपको ऐसी ही बहुत सी वीडियो मेरे इस चैनल पर दिखाऊंगा जिसे देखकर आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कुछ नया सीखने को मिले। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में आप लोगों को ये बाइक राइडर हैंड ग्लव्स बनाकर दिखाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये गत्ता लिया है, ये चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैंने लिया है ये 5 इंच इसकी चौड़ाई है और 10 इंच इसकी लंबाई है। सबसे पहले हमें फिंगर बनाना है, तो मिडल में एक पॉइंट लगा लेंगे 5 इंच 3.75 ये यहाँ से, ये देखिए। अब इसको हम, ये 5 इंच है, इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस साइड का ये वाला, ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इन दोनों से थोड़ा सा चौड़ा रहेगा। 1.25 से एक सूत चौड़ा है और ये 1.25 है, ये देखिए बिल्कुल है ना 1.25, ये भी 1.25 है, ये 1.25 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये देखिए 3.75 इनसे भी यहाँ पर 3.75। लेकिन ये वाली थोड़ी उस लाइन से बड़ी होगी, 4.25 मैंने मेंशन भी किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए 4.25 3.75 3.75। ज़रा आप अपने फिंगर के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, हम इसको ऊपर निशान लगा लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये मिडल होगी, ये तीसरी उंगली होगी और ये इस तरह से, ये देखिए इसे थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे। अंगूठे का हमें हॉल बनाना पड़ेगा इस पैटर्न पे। ये देखिए, मैंने बना रखा, ये 3.75 है, यहाँ पे एक टिक लगाया, 1.75 2.25 कॉर्नर से, इस कॉर्नर से यहाँ से हाफ इंच डाउन पे, यहाँ पे 0.5 अंदर की तरफ एक मार्क लगाएंगे, ओके, और इस 2.25 का हाफ कर लेंगे, ये है ना, ये यहाँ से 2.25 का हाफ कर लेते हैं, ये आएगा 1. यानी 1 इंच 1 सूत इसका हाफ। अब इस हाफ का मिडल पॉइंट, ये यहाँ से इस पॉइंट तक, यहाँ पर इसका मिडल पॉइंट यहाँ आएगा, ये देखिए ये हाफ हो गया और हाफ का इसके बीच में ये पॉइंट 2.5 बाहर, इस लाइन से बाहर एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे 0.25, ओके। उसी तरह से यहाँ पर इन दोनों का जो मिडल पॉइंट होगा, इस मिडल पॉइंट से ये यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे इस कॉर्नर पर बिल्कुल, ये जो बॉक्स हमने बनाया इसका कॉर्नर, और इसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से डाउन 0.25, ओके, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट और 1 4 है ना। अब इन चारों को ये यहाँ से शुरू करेंगे, हम देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, ये देखें, ये यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे ऐसे, इस तरह से इस पॉइंट को मिलाते हुए, गोल करते हुए, ये यूं। तो इन्हीं टुकड़ों से मैंने इसको तैयार किया है, इनसे आपको बना के दिखाऊंगा। अंगूठे का निशान दिखा देता हूँ मैं आपको इस तरह से, इसमें एक बॉक्स बनाएंगे, ये 3.75 5.25 ऊपर से ये देखें कितना है, 2 इंच से कम 1.75 पर एक पॉइंट बनाया और यहाँ से 1.75 सेम, ये इसको यहाँ से, इस लाइन को यहाँ से ये सीधा खींच देंगे ऐसे, और ठीक उसी तरीके से इस लाइन को भी सीधा खींच देंगे ऐसे, इस लाइन से यहाँ तक इसका जो मिडल पॉइंट है, ये मिडल पॉइंट से यहाँ देखिए कितना है,
0.75, थोड़े यहाँ पे एक पॉइंट लगाए, ओके, यहाँ से इस पॉइंट से देखिए, यहाँ से भी ये पॉइंट इस पोर्शन से ऊपर से, है ना। अब क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है, हमें निशान लगाना है, इसको गोल करते हुए इस तरह से गोल करेंगे हम, ये जितना गोल रहेगा उतना ही अच्छा है, ये ऐसे यहाँ से ने? और ये यूँ चढ़ाते हुए गोल करते हुए इस तरह से, देखिए ऐसे, और ये यहाँ से एक इंच, ये जो हमने बॉक्स बनाया था, ये बॉक्स, इस बॉक्स का यहाँ से बिल्कुल मिडल पॉइंट एक इंच पूरा, न कम न ज़्यादा। अब इसको यहाँ से इस तरह से गोल करते हुए आएंगे, ऐसे 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 यहाँ तक मिला दिया, इस लाइन तक। अब इन दोनों का जो मिडल पॉइंट है, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक का जो मिडल पॉइंट है, ये आप अपने हिसाब से नाप लोगे, मिडल पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 0.25, देखिए लिखा है, नीचे नीचे की बाहर की तरफ पॉइंट लगाएंगे और ये इसको इस तरह से गोल कर देंगे, ये देखिए ऐसे, ठीक उसी तरीके से। अब थोड़ा सा इसका साइज घट जाएगा, जो चौड़ाई थी 3.75 वो घट जाएगी 3.25 हो जाएगी, देख सकते हैं आप लोग, लंबाई वही रहेगी 5.25। तो एक बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स बनाने के बाद ये देखिए, यहाँ से एक इंच, इधर से 2 इंची पर एक पॉइंट लगाएंगे, ये देखिए 2 इंची पर दूसरा पॉइंट लगा दिया, ठीक उसी तरीके से इस 1 इंची वाली लाइन को भी सीधा कर लेंगे और इस 2 इंची वाली लाइन को भी सीधा कर लेंगे, ओके। अब इस सेम वही प्रोसेस, इस 1 इंची के मिडल पॉइंट का ये 0.25 और यहाँ से 1 इंच, ये देखिए एक पॉइंट यहाँ। अब इस पॉइंट से इस तरह से गोल करते हुए ऐसे, इस तरीके से ऐसे, ये इसके नीचे की शेप, तो नीचे तो बिल्कुल सीधा रखेंगे, वैसे अगर हम सीधा रखें तो ज़्यादा अच्छी शेप आएगी, इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे। अलावा भी एक पैटर्न और हमें बनाना है, वो है किस चीज़ का, ये इस साइड से इस तरफ, जैसा कि इसमें है, देख सकते हैं आप, ये देखिए है ना, देख सकते हैं। काम कैसे बनाएंगे ये मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए, ये यहाँ से 5.25 है ना, 2 इंच। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ से 1 इंची पर, ये देखिए 1 इंची पर एक सीधा लाइन, एक सीधी ऐसे यहाँ खींच लेना है, इंच एक होता है, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे हम ऐसे, ठीक है। अब इसी तरह के सेम, ये देखिए यहाँ से 1 इंची पर यहाँ पर एक पॉइंट दिया और इसको सीधा कर लेंगे, ऐसे कर लिया, ओके, और यहाँ से 0.25 पॉइंट लगा करके इसको सीधा ऐसे खींच देंगे, इन दोनों का मिडल, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन दोनों का मिडल पे एक पॉइंट लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। और ये जो हमने ये लाइन खींची है, यहाँ से एक पॉइंट लगाया, एक पॉइंट यहाँ से लगाया, और ये देखिए यहाँ से इन दोनों का मिडल पॉइंट, ये देखिए इन दोनों का ये मिडल पॉइंट यहाँ लगाया। अब हमें कुछ इस तरह से इसको भी मिलाना है, थोड़ा सा गोल करते हुए हल्का सा, क्योंकि बाइक राइडर ग्लव्स मिलाना है हमें, तो फिंगर्स थोड़ा सा ऐसे हो, देखा इस तरह से हो, इसलिए मैंने इसको इस तरह की शेप दी है, वरना आप चाहे तो इसे सीधा ही बना सकते हैं, ओके। और दूसरी चीज, ये यहाँ से इसको बिल्कुल सीधा इस तरह से मिला लेंगे, है ना, और चाहे तो इन दोनों का जो मिडल पॉइंट है, उस मिडल पॉइंट से ये यहाँ से 0.25 या 0.5 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको यूं करते हुए इस तरह से यहाँ मिला देंगे इस तरह से, और यहाँ से हल्का सा गोल कर देंगे इसको, इस पॉइंट से मिला के गोल ऐसे, ओके। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं सबके फटाफट। तो दोस्तों, ये था वीडियो हैंड ग्लव्स की कटिंग का पैटर्न, इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है ऑल द थिंग टेक। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम और नमस्कार।